मॉर्निंग फ्रेंड्स, मंडे मॉर्निंग है आज और मैं दो दिन से व्लॉग मैंने नहीं दिया। ये देखिए बच्चे, पोकी बहुत जल्दी उठ गई है, नॉट टू लाई, 7:43। अच्छा, और परी अभी उठी है ना परी, ये थोड़ी देर पहले। अच्छा, और मैं भी लाइक हाफ एन आवर हो गए मेरे उठे हुए, और जो भी काम होते करके मैं अभी इनके रूम में आई हूँ। इनका रूम थोड़ा सा मुझे साफ़ करना है, और आज पोके का एग्ज़ाम है, आज सेकेंड एग्ज़ाम है। एक्चुअली मैं इसलिए व्लॉग नहीं दे पाई थी, सैटरडे को उसका एग्ज़ाम था, सैटरडे को मैंने कुछ शूट नहीं किया, और कल संडे था, और कल संडे व्लॉग भी मैं नहीं बना पाई बिकॉज कल मुझे बुटीक में बहुत ज़्यादा काम था, तो मैंने सोचा कि व्लॉग नहीं बनाती हूँ। लेकिन आज मैं सुबह से शुरू कर रही हूँ व्लॉगिंग, और जितना हो सके आज करूँगी, पूरा दिन करूँगी आज। और अभी फ़िलहाल तो मैं करूँगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि पक्षी ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और परी का करना बाकी है। और परी बोल रही है कि उसके पैनकेक खाना है, और पक्षी भी स्कूल जाने से पहले पैनकेक खाएगी, है ना, तो मुझे पैनकेक भी बनाना है। पहले मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट, उसके बाद उन लोगों का ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, और बस व्लॉग की शुरुआत यहीं से करते हैं। यू बेटर मेक इट अप टू देम। ओलिविया पिया हियर, गुडी बॉय, कम Hi. Again, you want to sleep on me? Pretty much. You think a pretty much has happened to me? Hello. Hello. Lady who wakes up at 9:30. Not 9:30, 8:30. I woke up at 8:30. Yeah, you woke up at 8:30, but it took you like 30 more minutes to get ready. Yeah, it always takes me. Aww. And look, this is Olivia's place. No one can come on this place except us because this is Olivia's place. Mm-hmm. Now what you doing? Look at the laundry thing. Okay. See, too much pending laundry from since yesterday. Like yesterday. Yeah, that's yesterday's. Okay, no one wants to see dirty laundry. Let's go to Olivia. So cute, guys. Olivia, come on here. Come on. Yeah, she doesn't want to. Oh, it's really young. I'm going to go to the house. Always dual face. So, like upper one of kini kola, but the fitter kini boga. Your way of fixing the washing machine. Olivia, are you a cute wolf or are you a cute dog? Yes, I'm a cute wolf. Okay. Let's look at it. Baby girls, yeah. You want me to sit there? You want to sit on it? Somebody else will sit there. Oh, Olivia. You have space there. Here. Okay. So, ये मैं बना रही बच्चों के लिए पैनकेक, almost done है, हो गया है। और यहाँ मेरी चाय रखी हुई है, इसको गर्म करना है। और इधर मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए एक ऑमलेट। बच्चे नहीं खाएंगे, मैंने पूछा था उनसे, उनके पैनकेक में ही एग है ही, तो प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए पक्षी अभी रेडी हो रही है स्कूल जाने के लिए, परी खा रही है ऑरेंज। परी बेटर शेयर।
सो पखी को छोड़ के आ गई हूँ मैं अभी स्कूल. उसका एग्ज़ाम है 11 से, बट देन थोड़ी जल्दी जाना पड़ता है. और अभी मुझे, मैं आई हूँ बुटीक में, लेकिन स्टिचिंग का काम शुरू करने से पहले मुझे करना है थोड़ा सा हिसाब किताब और थोड़े से पार्सल पैक करने हैं जो जाएंगे. गुवाहाटी जाने वाले कुछ पार्सल हैं वो. और जो मेरी टेलर थी, मैंने उसे काम से, मतलब नहीं, उसको मना कर दिया है, बिकॉज वो बिल्कुल ही नाइव है, उसको कुछ भी नहीं आता है टेलरिंग का. तो मुझे कुछ हेल्प नहीं हो रहा था और मेरे जो कुछ कुछ काम थे वो बिगड़ रहे थे. मतलब लाइक जो ट्रस्ट है मेरा कस्टमर्स का मेरे ऊपर, वो ख़राब हो जाएगा ना इस तरह से, क्योंकि अगर फिनिश ठीक नहीं हुआ, मतलब छोटी छोटी बातें ध्यान देनी पड़ती है. और उसको तो मैं यूं ही बिठा के नहीं दे सकती थी, और मैंने देखा है कि उसको सीखने का भी वो ज़ील नहीं है उसके अंदर. लाइक बस आना है, बैठना है, पैसे कमाने, उस तरह से तो मैं नहीं कर सकती, बिकॉज मैं कर रही हूँ सारे काम और मेरे सारे मेहनत के पैसे मैं उसको सैलरी एज अ सैलरी नहीं दे सकती हूँ. तो मैंने उसको लाइक बोल दिया है नहीं आने के लिए. अभी मैं फिर से एडवर्टाइज़ करूँगी कुछ, अगर कोई एक्सपीरियंस लेडीज़ टेलर अगर मुझे मिल जाए तो. लेकिन तब तक अभी मुझे ही करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर स्टिचिंग में लगूँगी. हेलो गाइस, अभी 5 बज रहे हैं और मैंने तब व्लॉग शुरू किया था, फिर मैं पोखी को छोड़ने गई थी स्कूटी में, और उसके बाद से मैं यहाँ ही लगी हूँ. उसके बाद फिर पोखी को मैं लाने गई, और अभी 5 बजे अभी तक मैं लगी हुई हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ था कि मेरे ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ के जो फंक्शन है उसकी वजह से. और दूसरा कि मेरी टेलर को भी मैंने छोड़ दिया है उसको, क्योंकि पता नहीं, वो टेलर नहीं थी, उसको कुछ नहीं पता था. आई थिंक उसको काम की बहुत ज़्यादा तलाश थी, तो उसने मुझे बताया कि उसको सब कुछ आता है, लेकिन मेरा उसने दो काम बहुत बुरी तरह से बिगाड़ा. और एक बार आप सबको बताया कि जो काम हम लोग शुरू से खुद करते हैं ना, वो ठीक ही रहता है, लेकिन अगर उसमें दो हाथ पड़ जाए और उसमें से एक हाथ इनएफिशिएंट हो ना, तो उसमें बहुत सारे गड़बड़ी हो जाती है. और उस तरीके का मेरे साथ हुआ है, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि उसको सब कुछ आता है, लाइक कटिंग नहीं आती, बाकी टेलरिंग का सब कुछ आता है. लेकिन मैं देखती हूँ कि उसके काम में एकदम भी सफाई नहीं थी, और बिल्कुल ही जैसे, मतलब वो होता है ना कि बस काम पूरा करना है, पैसे कमाने हैं और करके जाना है, तो उस तरह से. और मेरा भी क्या हुआ कि कुछ कुछ काम मैंने उसके भी नहीं देखे, क्योंकि भरोसा था कि हाँ उसको ये तो उसने किया हुआ है, उसको आएगा. तो इस तरह से फिर उसने मेरा काम बिगाड़ा, तो मैंने फिर उसको मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए. मैंने सोचा जब तक कोई एफिशिएंट मुझे मिल नहीं जाता है ना, तब तक मैं खुद ही करती हूँ. तो अभी उसके भरोसे मैंने काम भी थोड़ा ज़्यादा ले लिया था, बिकॉज फिर काम तो ऐसे मेरे पास काम की कमी नहीं है, काम तो बहुत सारे ही आ रहे थे, तो मैं मना के लिए जा रही थी. लेकिन जब वो आ गए तो उसके भरोसे मैंने कुछ काम ले लिए थे, बिकॉज उसको भी मुझे सैलरी देना होता. तो उस चक्कर में काम भी मैंने ज़्यादा ले लिया और वो भी कोई काम की नहीं निकली. और अभी मेरा काम बड़ा हुआ है, लेकिन व्हाटएवर जो मैंने ले लिया उसको मुझे पूरा करना है, तो उसी वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत है. इसलिए मैं यहाँ पे ही हूँ सुबह से. पोखी जब आई उसके बाद उसको खाना वाना खिला के मैंने फिर
उसको थोड़ा सा वर्क दे दिया मैथ्स का प्रैक्टिस वर्क, वो भी पता नहीं वो कर रही होगी कि नहीं, वो नीचे ही है, तो मैं जाऊँगी फिर नीचे अभी थोड़ी देर के बाद और उसके बाद ही मैं देखूँगी। अभी फ़िलहाल मैं रस्ते बना रही हूँ, गाउन बना रही हूँ मैं एक, उसके लिए मुझे असिस्टेंट चाहिए, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग से भी थोड़ा सा बात कर लूँ इस बारे में, बिकॉज कुछ मैंने शूट नहीं किया अभी क्योंकि कुछ ऐसा शूट करने लायक था नहीं, लेकिन इसके बाद से मैं शूट करूँगी कि इवनिंग को मैं क्या क्या करती हूँ। सो या अभी एक कप चाय पीऊँगी उसके बाद फिर काम पे। देखिए 6 बज गए काम करते करते और शाम होने लगी है और ये मेरा बैल्कनी है, ये देखिए 6:30 से है, 6:30 बोला जाऊँ बोला कहूँगी अभी। चलो बेबी चलो 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 अंदर चलो चलो मुझे कॉलेज गया। नो 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 वी कैन नॉट टेक ओलिविया नाउ, नो नो नॉट नाउ नो नो। अपने देखा हम लोग डिनर कर लिया, अभी हम लोग सोने लगे हैं, एक बच्चे अभी सोने लगे हैं, लेकिन मुझे काम है, मुझे इस व्लॉग की एडिटिंग करनी है और व्लॉग मैंने 2 दिन से दिया भी नहीं था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और आप मेरे चेहरे से देख रहे हैं ना मैं बहुत ज़्यादा काम पे लगी हुई थी, तो इसलिए 2 दिन से मेरा व्लॉग भी नहीं गया और आज ये वाला व्लॉग मैं एडिट करके रखना चाहती हूँ ताकि कल उसको पोस्ट कर सकूँ, अदरवाइज़ फिर कल सुबह से वही रूटीन, क्योंकि पोखी का एग्ज़ाम चल रहा है ना उस वजह से बहुत सारा रूटीन हम लोग का गड़बड़ हो रहा है, तो वंस द एग्ज़ाम एंड्स तो थोड़ा सा लाइफ फिर से नॉर्मल पे आएगा मुझे लगता है, फिर से हम लोग रिलैक्स हो पाएंगे, अभी तो एग्ज़ाम की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ऊपर से मुझे काम का भी स्ट्रेस है, तो वट एवर हर एक दिन तो एक जैसे होते नहीं हैं, तो आई होप कि बेटर डेज आएंगे और मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो पाऊँगी फिर से। बट देन अभी के लिए गुड नाइट गाइज, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, अभी मैं व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, आपको ये वाला मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय फॉर नाउ गाइज।